प्रतापगढ़ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची सांगीपुर क्षेत्र के सहावाली। अमेठी के लोकसभा प्रभारी के सिंह के यहां धन्यवाद देने के लिए घर पहुंची थी केंद्रीय मंत्री। मीडिया से बात करने से इस दौरान कर दिया साफ इनकार। स्मृति ईरानी को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री अपने निजी कार्यक्रम में आई हुई थी, इसलिए मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया। प्रतापगढ़ से भाजपा के संगठन के लोग भी स्मृति ईरानी का किया जमकर स्वागत। पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश नारायण मिश्रा, अभय प्रताप सिंह उर्फ राजन, किसान मोर्चा अध्यक्ष टिंकू सिंह, काफी लोग मौजूद रहे। ईरानी आपके आए थे कि क्या कार्यक्रम था? देखिए, मैं अमेठी लोकसभा का प्रभारी था, चुनाव के बड़ी नेता हैं, उनको लगा मैंने वहाँ मेहनत की है, परिश्रम किया है, परिणाम बहुत अनुकूल आया। उन्होंने कहा मैं आपके घर पे आपको धन्यवाद देने आया हूँ और आपका आना हमारे लिए शुभ रहा और मैं तो धन्य हो गया। इतनी बड़ी नेता, इतना बड़ा दिल उनका, एक छोटे से कार्यकर्ता के घर आई, ये मेरा सौभाग्य, मेरे भाग्य दोनों। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या नाम है, किस पद पर हैं आप? मेरा नाम के सिंह है, मैं अमेठी लोकसभा का प्रभारी हूँ और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, इस जनपद का पूर्व जिलाध्यक्ष। सर, कैसा महसूस हो रहा है आज एक केंद्र की मंत्री जो है आपके घर आई जो है और यहाँ जनसैलाब उमड़ा है, आपको कैसा इस समय महसूस हो रहा है? मुझे अपने राजनीतिक जीवन में 40 साल का लगभग मेरा राजनीतिक जीवन है, इतने विशाल हृदय का नेता, इतना संवेदनशील नेता मेरे जीवन में नहीं मिला मुझे। वो दिली रिश्ता रखती है, उसे कोई राजनीतिक रिश्ता। प्रतापगढ़ के संबंध में आपकी मंत्री इनसे कोई बात की? क्योंकि प्रतापगढ़ की जो स्थिति है, जो माहौल है, उसको लेकर के मेरी कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कोई धन्यवाद देने के लिए आई थी, विकास के कार्य में जो प्रतापगढ़ में हम उनका सहयोग लेंगे, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप बगल के सांसद हैं और भारत सरकार की मंत्री हैं, प्रतापगढ़ जनपद में भी कुछ विकास के छींटे पड़ेंगे तो हम लोगों का स्वभाव होगा। उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि भैया मैं पूरा प्रयत्न करूँगी, प्रतापगढ़ बगल का जिला है, वो अछूता विकास से नहीं रहने पाएगी।